हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों जो हमारी आज की क्लास है वो आपने थंबनेल देखकर जान ही चुके होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे कि आप अपना आधार कार्ड या आप एक शॉप संचालक हैं तो आप अपने कस्टमर का आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड किस प्रकार से अपने घर पर मंगवाएंगे, इसके लिए आपको क्या चार्ज देना पड़ेगा और ऑर्डर आप किस प्रकार से करेंगे, यही सारी प्रोसेस आपको बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा पूरी प्रोसेस का कि किस स्टेप में आपको क्या करना है। चलिए इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल बार पर जाना है, वो यहाँ पर सर्च कर लेना है, सिंपली आधार कार्ड ही डाल लेना है, ज़्यादा नहीं लिखना कुछ, आधार कार्ड डाल लें। आधार कार्ड डालने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा यानी जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, यहाँ पर करते ही आप यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप तीन प्रकार से आधार पीवीसी कार्ड का ऑर्डर कर सकते हैं, पहला आधार नंबर के द्वारा, दूसरा है वर्चुअल आईडी, तीसरा है ई आईडी यानी कि इनरोलमेंट आईडी। दोस्तों वर्चुअल आईडी वो होती है जो पहले आपकी आधार कार्ड हुआ करता था आधार कार्ड नंबर, लेकिन आप जब भी आप दोबारा नया जो ई कार्ड आता है ई कार्ड में आपको वर्चुअल आईडी ही मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आधार कार्ड के द्वारा, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना या कस्टमर का करते हैं तो कस्टमर का यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल लेना है। डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेना है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या करना है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, जो क्या लिखा है हमारा माय मोबाइल नंबर ही नोट रजिस्टर्ड, तो इसका मतलब है दोस्तों अगर आपके मोबाइल में सॉरी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस पर टिक कर दें, वो अगर रजिस्टर्ड है तो अनटिक करें। जैसे कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है वो कहता है कि हमारे मोबाइल में जो मोबाइल नंबर है उसका हमें पता नहीं है, ठीक है, यानी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको क्या करना है इसे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको जो कस्टमर दूसरा नंबर बताए वो आपको यहाँ पर डाल लेना है और सेंड ओटीपी पर कर लेना है। चलिए हम आगे का प्रोसेस बताते हैं, इसके बाद क्या करना है आपको। दोस्तों इस प्रकार से हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर जो आपने नंबर दर्ज किया था उस पर एक ओटीपी गया होगा, वो आपको यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर लेनी है। दर्ज करने के बाद आपको टर्म्स एवं कंडीशन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद सबमिट पर कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने और ऑप्शन आ जाएगा जहां लिखा है वेरीफाई योर आधार डिटेल, प्रीव्यू इज नॉट अवेलेबल फॉर नॉट नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूजर, यानी जो आधार कार्ड के प्रीव्यू होता है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि जो आपने आधार कार्ड पर जो नंबर डाला है वो है रजिस्टर्ड नहीं है आधार पर, अगर आप का रजिस्टर्ड है तो आपका प्रीव्यू दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, मेक पेमेंट पर कर लेना है। मेक पेमेंट पर करने के बाद आपके सामने पेमेंट करने के लिए कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जहां से आप इसका पेमेंट करेंगे। दोस्तों पेमेंट करने के लिए आप तीन प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं, पहला कार्ड यानी जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं उसके द्वारा, नेट बैंकिंग यानी कि किसी भी नेट बैंकिंग के द्वारा, इसके बाद सबसे बढ़िया ऑप्शन है बेस्ट तरीका वो है यूपीआई जो कि सभी लोग यूज करते हैं, इसके द्वारा यानी कि गूगल पे फोन पे भीम पेटीएम किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, आपका जो पेमेंट है वो है आपका है 50 रुपये। दोस्तों आपको क्या करना है, पीवीसी कार्ड ऑर्डर करने के लिए 50 रुपये का आपका पेमेंट लगेगा, ठीक है, जो कि आपका स्पीड पोस्ट से कार्ड आएगा। अगर आप किसी कस्टमर का करते हैं तो इसके लिए आप क्या करना है, आप कस्टमर से कितना चार्ज लेते हैं वो आपके ऊपर है कि आप 20 रुपये लेते हैं 30 रुपये लेते हैं, जितना भी आप चार्ज लेते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर फोन पे यूज़ करते हैं तो फोन पे कर लें, जो भी आप फोन पे नंबर यूज करते हैं वो यहाँ पर डाल लें, डालने के बाद वेरीफाई कर दें, वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके फोन पे पर एक मैसेज आएगा, वहाँ पर आपको पेमेंट को अप्रूवल करना है, अप्रूवल करते ही आपका जो पीवीसी कार्ड के लिए ऑर्डर है वो ऑर्डर
हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना या किसी कस्टमर का पीवीसी कार्ड मंगवा सकते हैं। दोस्तों आपका जो पीवीसी कार्ड है वो आपके जो पहले का एड्रेस है वहीं पर ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी हमें जानकारी रहेगी कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है या कोई सवाल पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और साथ में अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे उसकी लिंक दी रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।